नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। पाटन विधानसभा के मंझौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विधायक अजय विश्नोई और जनप्रतिनिधियों और रोगी कल्याण समिति के सहयोग से मंझौली अस्पताल में 10 ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों की व्यवस्था की गई है। बहोरी बंद विधायक सम्मानीय प्रणय पांडे जी, मंदिर ट्रस्ट पटोरी और मुरेठ के अध्यक्ष द्वारा 2 लाख की राशि रोगी कल्याण समिति मंझौली को प्रदान की गई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मंझौली में उपस्थित डॉक्टर रविकांत मिश्रा, डॉक्टर विपिन सिंह और ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर पारस ठाकुर ने आइसोलेशन सेंटर से संबंधित संपूर्ण व्यवस्थाओं की समस्त जानकारी प्रदान की। सर, जो आइसोलेशन सेंटर हमारा प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मंझौली में बना हुआ है सर, उसके बारे में थोड़ा जानकारी चाहिए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मंझौली में 20 बिस्तरीय आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया है, जो कि सेंट्रल लाइन ऑक्सीजन से भरपूर है और उसमें 10 बिस्तर एक हॉल में है, एक हॉल में 10 बिस्तर है, जिस तरह हम मरीज को भर्ती कर सकते हैं और ऑक्सीजन जिनका सेचुरेशन लेवल कम चला जाएगा तो उन मरीजों को हम ऑक्सीजन देके उनका सेचुरेशन लेवल बढ़ा देंगे और जिन मरीजों को आईवी लाइन ड्रग्स लगनी है, मेडिसिन लगनी है, तो हम उनका ट्रीटमेंट भी करेंगे, तो उनको हायर एंटीबायोटिक्स वगैरह लगा के उनका इन्फेक्शन कम करेंगे और जो कोविड पॉजिटिव मरीज है उनको हम 10 से 14 दिन भर्ती रखेंगे, उनको वहाँ पर भाप दिलवाएंगे, भाप दिलवाने की प्रैक्टिस करेंगे और उस मरीज जब डिस्चार्ज होगा तो हम भाप वाली मशीन भी उनको रोगी कल्याण समिति के अंतर्गत उनको प्रदान कर देंगे। ठीक है, और ये आइसोलेशन वार्ड हमारा माननीय विधायक जी अजय विश्नोई जी के माध्यम से, उनके सहयोग से ये प्रारंभ किया गया है और इसका इनॉग्रेशन 17/9/2021 को हुआ है और इनमें हमारे मुख्य अतिथि माननीय विधायक जी अजय विश्नोई जी एवं बौरीबंद विधायक जी प्रणव पांडे जी ने हमको आके इधर पे इसका इनॉग्रेशन किया है और हमको एक सहयोग राशि प्रदान की गई है रोगी कल्याण समिति में 2 लाख रुपये उनके द्वारा और समस्त यहाँ जनप्रतिनिधि ने इधर आइसोलेशन सेंटर के लिए काफ़ी कुछ सहयोग किया है, काफ़ी कुछ इधर पे हमारी मदद की है, तो जिसमें से फ्रेंड्स क्लब और ये जनप्रतिनिधि हमारे विधायक प्रतिनिधि राजेंद्र चौरसिया जी ने और दिनेश चौरसिया जी ने, उर्मिला दाहिया जी ने एवं समस्त जनप्रतिनिधियों ने यहाँ पे हम लोगों को सहयोग देके आइसोलेशन सेंटर यहाँ पे चालू करवाया है और इस आइसोलेशन सेंटर में समस्त प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध है, जिस प्रकार हम मरीज को यहाँ पे ट्रीट कर सकते हैं, रख सकते हैं और जिन मरीजों को जो 1% मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन की आवश्यकता पड़ेगी या जिनके वाइटल्स थोड़ी दिक्कत होगी, जिनको हमको रेफ़र करना पड़ेगा, उन्हीं मरीजों को हमारे द्वारा रेफ़र किया जाएगा हायर सेंटर के लिए। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जनप्रतिनिधियों को और यहाँ की जनता को कि जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मंझौली के लिए इतना आगे बढ़ के इन्होंने 20 बिस्तर आइसोलेशन सेंटर तैयार किया गया है, तो उनके लिए बहुत बहुत मैं उनका धन्यवाद देता हूँ और हम मरीजों का बेहतर इलाज कर सकें, हमारी टीम की यही उम्मीद है। और हमारे जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इंद्राना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पड़वार, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नमकना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इंद्राना में हम 5 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर रखेंगे ताकि वहाँ के मरीजों को मंझौली ना आना पड़े, वहीं पे ही उनको ऑक्सीजन की अगर ज़रूरत अवेलेबिलिटी होती है तो हम वहाँ पे उनको ऑक्सीजन लगा के नॉर्मल पेशेंटों को जिनको सेचुरेशन बढ़ाना उनको रख सके। और पड़वार और लमकना में हम कोविड केयर सेंटर प्रारंभ किए हैं जहाँ पे सैंपलिंग और वैक्सीनेशन का भी काम अभी तहत जो वैक्सीनेशन का जो काम चल रहा है, आज दिनांक हमारे यहाँ 18+ का वैक्सीनेशन मंगल भवन में चालू किया गया, जिनको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उनके द्वारा किया जा रहा है और कोविशील्ड वैक्सीन का फर्स्ट डोज जिनको लगाया जा रहा है। सर, अपने यहाँ अवेयरनेस किस प्रकार का है वैक्सीन लगवाने में लोगों में? वैक्सीन लगवाने में अभी अवेयरनेस जनपद के माध्यम से, सीओ साहब के माध्यम से, तहसीलदार मैडम के माध्यम से और सीएमओ नगर पालिका के माध्यम से हम लोग आईसी वगैरह करवा रहे हैं। कुछ हमने वीसी में कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार हम कुछ नुक्कड़ नाटक भी करेंगे जिससे वैक्सीन के लिए हो, क्योंकि पहला डोज तो लोगों ने बहुत आगे बढ़ के लगवाया, दूसरे डोज के लिए थोड़ा सा रेजिस्टेंस आ रहा है बुखार वगैरह आ जाने के कारण, लेकिन आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और हमारी टीम और हमारे जो सहायक सचिव हैं उनके माध्यम से हम उनको मोटिवेट करेंगे कि दूसरा डोज भी कंप्लीट करवाएं और स्वस्थ रहें। इस महामारी से बचने में आपको जो वैक्सीन बहुत लाभदायक साबित होगी उस तरीके से हम उनको पूरा कंप्लीट उनका वैक्सीनेशन करवाना चाहते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू।